جميلة تلك الأيام. Hello guys, welcome to my vlogs. तो पिछले व्लॉग में आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि शादी मेरी है और किसी की नहीं है। तो अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, शेरवानी पहनाई जाएगी मुझे, ये तैयार हो चुका है, सुबह से तैयार घूम रहा है वैसे ना। तो अब मैं तैयार हो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ थोड़े से चावल खाए थे, उसके बाद अब मौका मिला मुझे कुछ खाने का। रात के टाइम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, 7:30 बजे का प्लान था, 8 बजने वाले हैं। और यार मेरा भाई खुद बटन लगाता हुआ दूल्हे की कार पता नहीं कहाँ खो गई, उसे ढूंढते हम जा रहे हैं। आगे खड़ा हुआ दूल्हा और सारी गाड़ियां अभी हमारे साथ हैं, बस दूल्हे की और एक वैगनार, बस वो अलग हो गई और बस आई कम से कम आधे घंटे में। अभी बाहर खड़े हैं सब क्योंकि हम बस का वेट कर रहे हैं, अभी बस आएंगी, उसमें सामान है, बाकी लोग है तो साथ में जाएंगे। और हम आने वाले हैं बारात घर में, आने वाले हैं, वेट कर रहे हैं अभी। तो आ गया बस, ये देखो आज नजर आए हैं, ये ईद के चांद, ये तो देखो चाल इनका फोटोशूट चालू हो गया, फोटोशूट हो रहा है आराम से। माला बहन आई गई है, छोड़ो वो शेगु, तेरे को भी मिली कुछ कुछ मिलेगा मुझे भी, सबको सबको। मैं तो सिर्फ आ लगी है, फुल खातिरदारी आज। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? इन गवाहन और हाजरीन की मौजूदगी में आपका निकाह बेवस महर 31,000 रुपए अलावा नानो नफका के किया जाता है, क्या आप अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल करता हूँ।
मेरा निकाह हो चुका है और मैं दिल से दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला सबका यंग एज में निकाह कराए। तो ये व्लॉग में मतलब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मेरा निकाह था तो एक अदब के दायरे में रहना पड़ता है। उम्मीद आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा था और मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।